गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हमें ये लेक्चर एक्चुअली हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस लेक्चर को पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड थी कि सर हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें। वो तैयारी JRF की हो सकती है, PPG की हो सकती है, JET ICR की हो सकती है, या AAO AO सुपरवाइज़र, या कोई अदर RPSC और UPSC एग्ज़ाम्स की हो सकती है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें एक्चुअली तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अगर हम किसी सीनियर से पूछते हैं या कहीं कोई टीचर से पूछते हैं तो वो लोग हमें एक्चुअली एक लंबी सी किताबों की लिस्ट तो पकड़ा देते हैं, या बहुत एक लंबी सी लिस्ट हमें बता देते हैं बुक्स की कि ये किताब आपको पढ़नी है, बट एक्चुअली ये नहीं बताते कि हमें ये किताब कैसे पढ़नी है, कौन सी किताब कब पढ़नी है, कौन सी किताब बाद में पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे पढ़ें, ये कोई नहीं बताता है। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि यदि आपने तैयारी का सोच रखा है कि मुझे तैयारी करनी है, वो तैयारी किसी की भी हो सकती है, JET ICR BHU PPG PhD NET ARS कुछ भी, तो आप फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप डिटरमाइन होइए और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा भी है कि अगर जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार नहीं नहीं अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, या फिर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा नहीं नहीं मेरे पास अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो फोर्थ ईयर में आ चुका हूँ, या फिर मेरा तो टाइम निकल चुका है, अब मैं कैसे तैयारी पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप JRF की तैयारी के लिए कोई ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 महीने में आप कर सकते हो। तो उस टाइम का अगर बात की जाए तो किसी के पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जैसे आप स्ट्रेटजी तैयार करोगे, एक क्वेश्चन और ये आता है, जैसे आप ठीक है आपने ये बात सुनी, आपने कल से स्ट्रेटजी बना ली कि नहीं मुझे तैयारी करनी है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, और एक्चुअली है आपके पास टाइम, क्योंकि वो है ना कि आपने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे दिया मैं मुझे तैयारी करनी है, तो फिर आपका दिमाग उस एफिशिएंट तरीके से काम करेगा जिससे आपको सक्सेस मिल सके, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि हम कई बार आपने देखा भी होगा, हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे हमारा कोई एग्ज़ाम्स है, अब एग्ज़ाम से हमें कोई ट्रेन से कर कहीं बाहर जाना हो, हमने कई बार देखा भी है ऐसा होता है हमारी रियल लाइफ के अंदर, तो अगर हमें जाना है जैसे 3 बजे की हमारी ट्रेन है, तो जैसे हम रात को सोते हैं तो हम पहले से दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं कि हमारी 3 बजे ट्रेन है, तो आपका दिमाग के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसने सोच लिया कि भाई 3 बजे चलना है, तो वो आपको रात भर सोने नहीं देगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप 3 बजे से पहले 10 बार उठ जाओगे। तो एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक दिमाग को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको 3 बजे जाना है। तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने माइंड को और आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप तैयारी स्टार्ट करोगे, जैसे आप स्ट्रेटजी बनाओगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे, अगर अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे हो सकता है कि आप JRF की तैयारी की स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप सेकंड ईयर में हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, तो बहुत सारे सीनियर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, मेनली क्लासमेट्स होते हैं, वो आपको कहेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या तैयारी करनी है। तो आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यही लोग जब आप फोर्थ ईयर में आ जाओगे, आप फोर्थ ईयर में आके तैयारी करोगे, तो यही लोग क्या कहेंगे कि आपके पास तो टाइम कहाँ है, आपको तो सेकंड ईयर से तैयारी करनी चाहिए थी, अब तो लोग सेकंड ईयर से तैयारी कर रहे हैं, आपका कैसे हो सकता है। तो ऐसे लोगों से स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल, वो जो कि आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको नेगेटिव गाइडेंस वो कर रहे हैं, आपको एक तरह से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। और एक बार आपने सोच लिया तो उसको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी जैसे आपने ये फिक्स कर लिया आपने तैयारी करनी है, आपने नेगेटिव पीपल से आपको दूर रहना है, उसके बाद में आपको अपना शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सोच तो लिया आपको तैयारी करनी है, लेकिन आपको शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी आपको इम्पोर्टेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो कुछ लोग होते हैं जैसे शेड्यूल्स ठीक है, आज तो जो जो उसमें उन्होंने शेड्यूल एक बना लिया कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे तक मुझे वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, फिर उसके बाद में मुझे पढ़ने बैठना है, ये सब 1 साल का शेड्यूल बना के अपने दीवार पे चिपका दिया उन्होंने, अपने डेस्क के सामने लगा दिया है, वो शेड्यूल को जो जो उसमें 4-5 दिन फॉलो करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे। तो हमें ऐसा शेड्यूल नहीं बनाना है जो कि दीवारों पे टंगा रहे या अपने डेस्क के सामने लगा रहे। हमें क्या करना है, हमें सुबह अपने को उठना है। आप कितने बजे भी उठो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई 4 बजे उठने वाला स्टूडेंट हो सकता है कि ब्रिलियंट होगा या उसका दिमाग ज़्यादा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8-9 बजे उठते हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं, तो 8-9 बजे उठने वाले स्टूडेंट भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप जब भी आप उठ रहे हो, उठने से पहले पता है कि जैसे एक दम से हम उठते हैं तो एक उठने के बाद एक मन नहीं करता कि हम बिस्तर से बाहर निकले, स्पेशली इन केस ऑफ विंटर। तो हमें क्या करना है, हमें बिस्तर में पड़े रहना है, बाहर नहीं निकलना है। और बिस्तर में पड़े पड़े हमें ये सोचना है एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट कि आज हमें क्या क्या करना है, हमारी जो क्या एक्टिविटी रहेगी, हमारा क्या शेड्यूल रहेगा। तो 15 मिनट तक एटलीस्ट एक शेड्यूल प्रिपेयर करो कि मुझे आज ये करना है, मुझे वो किताब पढ़नी है, ये वो सब जो भी है पूरा शेड्यूल अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लो। याद नहीं रह रहा तो लिख लो। जैसे आपने शेड्यूल प्रिपेयर किया फिर कुछ नहीं करना, पूरे दिन भर उस शेड्यूल को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। आपको अगर आप कहीं जैसे बाहर जा भी रहे हो तो हो सकता है उस दिन का शेड्यूल चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक अच्छे से हम इस शेड्यूल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास शेड्यूल प्रिपेयर हो गया, आप पूरे दिन उस शेड्यूल को फॉलो करिए, आपका 1% भी टाइम खराब नहीं होगा। अदरवाइज आप क्या होगा, जैसे आप उठते हो सुबह अखबार पढ़ने लग गए, आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है, आप क्या करोगे, अखबार पढ़ते पढ़ते 10-15 मिनट तक बैठ जाओगे, कोई मतलब नहीं, बिना बात के बैठ जाओगे जिसका कोई भी मतलब नहीं है। या फिर हो सकता है कि जैसे आप कहीं बाहर दिन में कहीं पढ़ते पढ़ते बाहर चले गए रूम से, तो 10-5 मिनट किसी के पास बैठ गए, आधे घंटे तक आप बात कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा कि आधा घंटा खराब हो गया। इस तरह से अगर आपने शेड्यूल प्रिपेयर नहीं किया तो कम से कम आपके 1-2 घंटे फालतू वेस्ट हो जाते हैं पूरे दिन में। अगर आपने ऐसा शेड्यूल प्रिपेयर कर रखा है, मॉर्निंग में 15 मिनट आपने खराब किए, लेकिन आपने कम से कम पूरे दिन के 2 से 3 आवर्स जो है, 2 से 3 घंटे जो है वो आपने बचा लिए हैं। और ये 2 से 3 घंटे काफ़ी होते हैं आपकी रीडिंग और आपकी टीचिंग के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, चलो ठीक है आपका शेड्यूल प्रिपेयर हो गया है, आपने स्ट्रेटजी भी बना ली है, उसके बाद में आपको बुक्स का देखना है। बुक्स में ऐसा है कि जैसे आप सुबह उठते हो तो आपका माइंड जो है काफ़ी ऐसे एक एनर्जेटिक माइंड रहता है, एक फ्रेश माइंड है, तो उस टाइम पे आप डिस्क्रिप्टिव बुक्स पढ़िए। आप डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऐसी बुक पढ़िए जो हार्ड हो, जो आपको लग रहा है कि इसको पढ़ने से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो क्योंकि सुबह सुबह आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, तो सुबह सुबह आपको वो किताब पढ़नी है जो आपको हार्ड लग रही है, जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप की है, जिसको आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, उस किताब को आप सुबह पढ़िए। और जब आपका दिमाग टाइर्ड हो या आपको लग रहा है स्लिप, आपको नींद आ रही है, आप जस्ट बिफोर स्लीपिंग इन नाइट, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव किताब पढ़नी है। आपको नींद आ रही है, ऑब्जेक्ट आपने रात में 10-11 बजे आप देख लो नींद आ सकती है, तो ऑब्जेक्टिव किताब लेके बैठो, तो पता नहीं चलेगा कब नींद भी आ गई। और आपको आप डिस्क्रिप्टिव किताब लेके बैठोगे तो कोई मतलब है नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव किताब आपको मॉर्निंग में पढ़नी है। इसके बाद में आपको पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ और भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि आपको कंटिन्यूटी नहीं रखनी है। जैसे आप सुबह बैठे हो, आप कहो कि नहीं मैं 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप 8 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता, आप भी नहीं पढ़ सकते। तो अपने को कंटिन्यूटी नहीं रखनी है, अपने को ब्रेक चाहिए बीच बीच में। और वो ब्रेक कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से या तो एडजस्ट कर सकते हो या डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि ऐसा है जैसे आपने 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपने ब्रेक ले लिया, चाय पी ली, उसके बाद फिर पढ़ लिया, फिर आपने खाना खा लिया, फिर आपने पढ़े, फिर आपने कुछ जूस पी लिया, कुछ ऐसे आपका अगर बीच बीच में आपको ब्रेक मिल रहे हैं तो आपका दिमाग जो है वो एफिशिएंटली वर्क करेगा, क्योंकि उससे पता है कि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो उसमें आपका दिमाग जो है एफिशिएंटली वर्क करेगा और आपको पता नहीं लगेगा कि कब पूरे दिन भर आपने अच्छे से पढ़ाई करी। तो एक ये चीज़ भी है कि आपको कंटिन्यू नहीं रखनी है, आपको ब्रेक चाहिए बीच बीच में। क्योंकि अगर किसी किताब को आप 10 घंटे लेके बैठे हो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, क्योंकि हो सकता है मे बी उस किताब को आप 5 घंटे में पढ़ सको, तो आप 5 घंटे में पढ़ के ख़त्म करो ना उसे, उसे आप 10 घंटे लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हम अगर बात करें कि आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए, तो वो शेड्यूल जो मैंने एक मेरे हिसाब से जो आइडियल शेड्यूल जो है जो मैंने बनाया है, आप भी उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। आप कभी भी उठिए मॉर्निंग में, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 4 बजे उठो, आप 8 बजे उठ सकते हो, एवरेज टाइम हम मान रहे हैं 7 बजे, 7 बजे इवनली उठ ही जाते हैं जनरली सब लोग, कुछ लोग 8 बजे उठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग थोड़े से 1 घंटा लेट सोते हैं।
तो आप जब भी उठ रहे हो उठो, उठने के बाद आपको शेड्यूल प्रिपेयर करना है, 10-15 मिनट अपने दिमाग में सोचना है, सोचने के बाद ये जैसे मान लो आप 7 बजे उठे हो, 7 से 8 के टाइम जो है 1 घंटे का, ये आपका जो आपका शेड्यूल प्रिपेयर करने का हो गया। आप इसमें आप रेडी हो सकते हैं, आप जो चाय नाश्ता आप ले सकते हैं, आपने जो भी ये सारा काम कर लिया है, आपने चाय पी ली है, आप उठ गए हो, आपने शेड्यूल प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है 8 से 11 बजे तक। आपको 3 घंटे अच्छे से, और कौन सी किताब पढ़नी है, डिस्क्रिप्टिव बुक्स पढ़नी है या हार्ड जो बुक है जो आपको लग रहा है कि इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उस किताब को पढ़ना है। 11 बजे फिर आप खाना खा सकते हो, खाना खाओ आप 11 बजे, खाना वाना खा के आपको अगर आप नहाए नहीं हो 7 से 8 वाले टाइम में, तो आप इस टाइम पर नहाइए, नहा के आप खाना खा सकते हो, नहा के आप खाना खाइए, उसके बाद में जैसे 11 से 12 एक घंटे का टाइम है आपके पास, 12 बजे तक आप करिए, 12 बजे फिर से आपको पढ़ना है। अब 12 बजे क्या पढ़ना है, 12 बजे वो चीज़ उठाओ आप, अगर आपके आप ऐसी तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट है तो आप न्यूमेरिकल निकालो, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप ऑब्जेक्टिव किताब उठाओगे, आप लेटे लेटे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी, स्पेशली इन केस ऑफ समर, अगर गर्मी में आप लेटे लेटे पढ़ोगे खाना खाने के बाद तो आपको डेफिनेटली नींद आएगी। तो अपने को क्या करना है, न्यूमेरिकल जो पोर्शंस जो है, मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसको यहाँ लेना है 12 से 2 बजे तक या 2:30 बजे तक, तो इसमें या फिर हम डिस्क्रिप्टिव किताब वापस रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद 2 बजे ब्रेक दीजिए या 2:30 बजे अपने दिमाग को ब्रेक दीजिए, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो वो एक दिमाग को ऐसे लगेगा कि अरे नहीं यार ये तो बहुत काम करवा रहे हैं, तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को 2-2:30 बजे उसको ब्रेक दीजिए। आप चाय पीजिए, गर्मी है तो आप जूस पी सकते हैं, आप नींबू पानी पीजिए, कुछ और ले सकते हैं, या ब्रेकफास्ट कीजिए हल्का फुल्का। तो वो सब करने के बाद फिर आप पढ़िए, फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आप हो सकता है यहाँ पर आपको लग रहा है कि यार नहीं अभी तो आप कुछ वीडियोस अगर आपको देख रहे हो वो देखिए, आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी मैं डिस्क्रिप्टिव और पढ़ सकती हूँ तो आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। ये आपको कब तक पढ़ना है, 3 घंटे हैं आपके पास, 2:30 से 1 कहो तो 2.5 घंटे हैं, या 2 से कहो तो आप 3 घंटे हैं, 5 बजे तक आपको पढ़ना है, 5 बजे तक आप पढ़िए। इसके बाद जैसे 5 बजते हैं, 5 से 8 तक आप फ्री हो, आपके दिमाग को बिल्कुल 5 बजते ही आप बंद कर दीजिए पढ़ाई, आप कीजिए, आप खाना खा सकते हो, आपको कहीं घूमना है घूम सकते हो, खेलना है खेल सकते हो, 5 से 8 3 घंटे आप रेस्ट कीजिए। बिकॉज अगर आप कंटेंट ही रखोगे तो आपको माइंड आपको एक सेचुरेशन आ जाएगा, और वो आपको आगे पढ़ने के लिए आपको उसके बार बार आप अगर उसको वापस किताबें रिपीट कर रहे हो तो उसको इतना याद रखने में प्रॉब्लम आएगी और वो इतना याद नहीं रख पाएगा। इसलिए अपने को दिमाग में अपने दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि मुझे 5 बजे तक ही पढ़ना है, तो दिमाग को ये लगेगा कि ठीक है 5 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद इंजॉय करना है, तो 5 से 2 से 3 घंटे तो पढ़ने हैं, उसके बाद अगर इंजॉय का टाइम है तो अपन एफिशिएंटली उस 3 घंटे को एफिशिएंटली यूज़ कर सकता है, अपना जो माइंड है एफिशिएंटली यूज़ करता है उसे। इसके बाद जैसे 8 बजने के बाद हम पूरा काम जैसे खेलना खाना सारा हो गया, 8 बजे के बाद आप वापस बैठिए पढ़ने, आप क्योंकि आपने सारे दिन भर अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप ऑब्जेक्टिव किताब रात में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे के बाद आप ऑब्जेक्टिव किताब लीजिए, 9-10 बजे तक आपको लग रहा है हम डेस्क पे बैठ के पढ़ सकते हो, 2-10 बजे तक डेस्क पे बैठ के पढ़िए, उसके बाद में आपको लग रहा है कि मैं लेटे लेटे पढ़ूंगी या मुझे नींद आ सकती है तो लेटे लेटे पढ़िए, ताकि आपको पता नहीं लगेगा कब नींद आ गई। और एटलीस्ट आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके जो पुराने क्वेश्चंस पेपर है वो रखो, और एटलीस्ट 1 पेपर जो है एक पेपर वो पूरे दिन में शाम को एक पेपर आप, या फिर दिन में कहीं जब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन चल रहा है उस टाइम पे, या कभी शाम के टाइम पे 2 से 5 वाले सेशन के अंदर कभी भी आप एक पेपर सॉल्व कीजिए। इससे आपको आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक माइंड में एक अलग सी क्रिएटिविटी रहेगी कि हाँ हमें ये चीज़ पढ़नी है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक वो चीज़ आपको करनी है। इसके बाद में अगर आप के दिमाग में कभी कभी सेचुरेशन आ जाता है, हम ये देखते हैं कि कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया, कभी हमारा दिमाग ये करता है कि नहीं नहीं बहुत हो गया अब नहीं पढ़ा जा रहा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप उन लोगों से बात करिए जो आपको गाइड कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे आपको कोई सीनियर हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, आपके कोई टीचर हो, जो आपको लग रहा है कि वो मुझे अच्छे से मोटिवेट करेंगे या फिर मुझे अच्छे से बताएंगे, तो आप उनसे बात करिए। आप वीक में एक बार उनसे बात कर सकते हो या महीने में एक बार बात कर सकते हो, उसमें अगर आप टाइम ख़राब कर रहे हो तो वो टाइम ख़राब करना नहीं है। आप संडे आप या फिर आप ऐसे हो सकता है वीक में एक दिन फ्री रखिए, आप उस दिन आप बिल्कुल मत पढ़िए, और उस दिन आप ऐसे गाइडेंस वाली चीज़ें का आप देखिए, तो आप किसी से बात करिए, तो उनसे जैसे आप बात करोगे वो आपको एक, क्योंकि पोटेंशियल सबके अंदर है, बस वो स्पार्क की जरूरत है, वो स्पार्क जो आपको वहाँ से मिलेगा तो एकदम से आपका जो पोटेंशियल है आप पूरे पोटेंशियल दोगे अपना, और आप जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इसीलिए आप सक्सेस आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स की आई थिंक ये है कि
मेरा ये मानना है, पर्सनल व्यू है मेरा, कि आप 10 किताबें या 20 किताबें आपके पास लिस्ट है, आपको 20 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर 5 किताबें अच्छी है या 2 किताबें या 1 किताब अच्छी है, तो आप 10 किताबें पढ़ने के बजाय उस एक किताब को 10 बार पढ़िए, या अगर आप 20 किताबें पढ़ने के बजाय 5 किताबों को रिपीट करिए। अगर जो अच्छी किताब, अब अच्छी किताब कैसे हैं, वो अच्छी किताब सेलेक्ट करिए, आप पूछिए 10 जगह से रिव्यू लीजिए कि कौन सी किताब अच्छी है, और जो किताब अच्छी है उसको सेलेक्ट करके उसको पढ़िए, उसको आप रिपीटेडली उसको पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, बजाय आप 10-15 किताबें पढ़ने के। क्योंकि 10-15 किताबें पढ़ोगे तो उसमें वेरिएशन आता है, डेटा का वेरिएशन होगा, किसी में कुछ डेटा होगा, किसी में कुछ डेटा होगा, 10 किताबों में 10 डेटा होगा, क्योंकि हल्का फुल्का मैनिपुलेशन या हल्का फुल्का जो फ्लक्चुएशन है डेटा का वो रहता है, और इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को 10 डेटा याद रखने की जरूरत है, और आप एक किताब को 10 बार रख रहे हो, इस मीन्स वो आपके कहीं ना कहीं एक बार, दो बार, तीन बार या 10 बार आपने पढ़ी उस चीज़ को, तो वो डेटा आपके दिमाग में है और आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसलिए 10 किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब को रिपीट करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने डेटा की ये बात कर ली कि हमें कौन कौन सी किताब कैसे कितनी बार पढ़नी है। इसके बाद इस लेक्चर में आई थिंक इतना ही सफिशियंट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर जो हम बनाएंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी किताब, जो इम्पोर्टेंट किताब है ICER के लिए, JET के लिए, राजस्थान PPG के लिए, BHU के लिए, DDA के लिए, AO, AAO, RPSC, UPSC, इसके अदर एग्ज़ाम्स, JRF, SRF, NET, ARS, इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बुक कौन कौन सी है और कौन सी किताब कब और कैसे पढ़नी है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि अगर आपको तैयारी का तो आपको पता रह गया कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कैसे शेड्यूल प्रिपेयर करना है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हम कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन कौन सी किताब को कब पढ़ना है, कौन कौन सी किताब को कैसे पढ़ना है, कितना कितना पोर्शन पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे और आप उस लेक्चर को भी बिल्कुल देखना आप, तो उससे और जो जो किताबें हैं वो आप परचेज़ कर लीजिए आपके पास नहीं है तो, और फिर आपको इसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए आप उनको पढ़िए। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो पर्सनली तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरी है वो आपको बिल्कुल आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, आपको पूरे तरह से सहयोग भी किया जाएगा। कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।